हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फुल बॉडी स्क्रब। इसके लिए मैं ना राइस ले रही हूँ, फर्मेंटेड राइस। ये मैंने 24 घंटे तक इसको भिगो के रखा था और इसका पानी मैंने हेयर्स के लिए यूज़ किया था। तो ये जो बच गए हैं चावल, मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी और इसका जो पेस्ट बन जाएगा वो मैंने स्टोर करके रख दिया था फ्रिज में। तो वही पेस्ट मैं अपने स्क्रब के लिए यूज़ करूँगी। ये देखिए, मैंने फुल इसको पेस्ट बना लिया, एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है मेरा। आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन मैंने ये चावल भिगो के रखे थे तो मैं अब इसका पेस्ट बना के यूज़ करूँगी। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। अगर नहीं मिले तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका एक स्पून ले रही हूँ और इसमें अब मैंने एक चम्मच मैदा ऐड किया और अब मैंने दो चम्मच इसमें शुगर के डाले हैं। टी ट्री ऑयल लिया है, इसके फ्यू ड्रॉप्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो यूज़ करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और कच्चा दूध, मैं इसको कच्चे दूध से इसका एक थिक पेस्ट बना लूँगी। अब इसमें दो इवियन कैप्सूल्स, विटामिन ई के जो कैप्सूल्स आते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर लिए। अब थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें कच्चा दूध इसमें मैंने मिक्स किया और पहले इसको 10 मिनट तक अपने पैरों को, हाथों को गर्म पानी में रखना है ताकि जो भी डस्ट है वो निकल जाए। अब मैं ये स्क्रब लगाऊंगी, कम से कम 5 मिनट तक इसकी मैं मसाज करूंगी। वीक में अगर हम एक बार भी ये करते हैं तो हमारी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है और पूरा डस्ट इससे निकल जाता है और स्किन वाइट भी हो जाती है। हाथों पे भी मसाज करूँगी, जो भी डार्क एरियाज होते हैं हमारे, जैसे एल्बोज, हील्स, इन पे डस्ट ज़्यादा जम जाती है तो वो इससे निकल जाएगी। बस 5 मिनट तक हमें इसमें अच्छे से मसाज करनी है। अब मैं ये जो फुट वो आता है स्क्रबर, वो यूज़ कर रही हूँ। उसकी हेल्प से भी काफ़ी डस्ट अच्छे से निकल जाती है हील्स से। और ये मैं थोड़ा और लगा लूँगी ताकि और अच्छे से सारी डस्ट इसमें से निकल जाए, जो भी डेड स्किन होती है वो भी निकल जाती है। और आर्म्स पे भी ऐसे ही अच्छे से मसाज करनी है। और ये मैं पैक जो है अपने फेस पे भी अप्लाई करूँगी, इसको फेस पे भी लगा सकते हैं, फेस के लिए भी ये अच्छा रहता है। और मैंने इसमें बाद में लेमन से ये पूरा उतारा था। काफ़ी लोगों को लेमन नहीं भी सूट करता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अब मैंने फेस पे भी लगाऊँगी, उससे पहले अच्छे से फेस को, पहले अपना जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो उससे फेस क्लीन कर लूँगी और वेट फेस पे ही ये स्क्रब लगा लूँगी। मसाज ज़्यादा नहीं करनी है, मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो मैं मसाज ज़्यादा नहीं करती हूँ। सिंपल थोड़ी सी मसाज करके और इसको वेट वेट में ही थोड़ा सा गीला, मतलब थोड़ा ड्राई हो जाए और आपको उतार देना है। ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है, ज़्यादा देर तक फेस पे नहीं रखना है। ये देखिए, हल्का सा ड्राई हो गया है और मैं इसको अब बिल्कुल लाइटली मसाज करके सिंपल पानी से धो दूंगी। इसको आप अपनी बैक पे भी यूज़ कर सकते हैं और थाइस पे भी लगा सकते हैं, ये देखें। और इस पर बाद में आप कोई भी अपना जो बॉडी लोशन होता है वो पूरी बॉडी पे लगा के, तो वो और भी सॉफ्ट हो जाएगी स्किन। फुल बॉडी पे अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो। वीक में एक बार भी करोगे तो भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।